आखिर सांप और नेवले की लड़ाई में जीत जाता था नेवला का ही क्यों होता है। दरअसल दोस्तों जो नेवले होते हैं ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं, और दोस्तों जब सांप और नेवले के बीच लड़ाई होता है तब सांप जब नेवले को काटने की कोशिश करता है तब नेवला आसानी से बच जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सांप नेवले को एक या दो बार काट भी लेता है तब नेवले को सांप के चेहरे का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों नेवले के बॉडी में एक स्पेशल पावर होता है जिसके चलते अगर सांप नेवले को एक या दो बार काट भी लेता है तब नेवले को कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों जिसके चलते नेवला इसी का फायदा उठा के सांप पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला देता है, और इसलिए ही लड़ाई में ज्यादातर नेवला ही जीत जाता है।